Hey darlings, welcome back to our channel. For all those who are new here, we are Aparna Jatin Shah Q, and for all those who've been connected with us, thank you so much for showering so much love and helping us stay motivated. So आज हम क्रिएट करने वाले हैं नव दुर्गा लुक. सो इफ यू आर अ बंगाली या आपको कोई फ्रेंड ने इनवाइट किया है फॉर दुर्गा पूजा, देन यू कैन डू दिस रियली रियली इजी लुक. इसमें मैंने बहुत ज्यादा कलर्स फॉर आई शेडोज एंड ऑल यूज नहीं किए हैं, बिकॉज आई नो कि मोस्टली वेन यू आर ट्राइंग टू गेट रेडी, बहुत बार ऐसा होता है कि आपको ऐसा लगता है कुछ इजियर करे, बट टू द आईज इट शुड लुक रियली नाइस एंड ग्लिटरी. सो दैट्स द लुक आई एम ट्राइंग टू क्रिएट, एंड विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड. I've already prepped my skin. Now I'm going to start with the primer. So for people jinka oily skin hai, they can use a matte primer. Today I'm going to be using Forever 52, which is a matte primer. So agar aapka skin bahut jaldi oily hota hai, then you should use a matte primer, jisse ki aapka jo base hai wo zyada der tak matte rahega, and uske chalte fir aapki skin and makeup bahut zyada oily nahi lagega. So I'm going to mostly apply it on my T-zone, and jo fir uske baad bachega, I'm just going to drag it out to the other areas. We don't have to apply a primer like a cream. Normally creams and foundations and all हम पूरे face पे लगाते हैं, but this has to be only applied 4 to 5 dots, और वो पूरा का पूरा आप सिर्फ स्ट्रेच आउट करते हो. नाउ इफ यू हैव अ स्पेसिफिक आई प्राइमर, आप वो अलग से लगा सकते हो व्हेन यू स्टार्ट विद योर आईज, बट आई यूजुअली अप्लाई द फेस वाला प्राइमर ओनली ऑन माई आईज. नाउ द नेक्स्ट स्टेप इज अप्लाइंग द फाउंडेशन, फॉर विच आई एम यूजिंग द मैक स्टूडियो फिक्स. नाउ यूजुअली आप अपना फाउंडेशन कैसे चेक कर सकते हैं वेदर इट इज योर शेड और नो, मोस्टली लोगों को मैं देखती हूँ यहाँ पर लगा के देखते हैं, बट इफ यू सी द शेड्स रियली डिफर बिटवीन फेस एंड योर हैंड्स, सो हमेशा यू हैव टू पुट इट हियर टू चेक कि आपके फेस से वो मैच कर रहा है या नहीं. फाउंडेशन यू शुड ऑलवेज टेक द वन दैट इज मैचिंग योर स्किन टोन, एंड इफ यू गो वन शेड लाइटर देन यू शुड ऑल्सो अप्लाई इट ऑल अक्रॉस हियर. लाइक इन माई केस आई नॉर्मली टेक द वन दैट इज माई शेड, सो मैं अपने शेड से लेती हूँ, इसलिए मैं नीचे फाउंडेशन नहीं लगाती हूँ, सिर्फ जो एक्स्ट्रास बचते हैं दैट आई ड्रैग इट डाउन. नाउ फाउंडेशन आप एक साथ बहुत ज्यादा मत लीजिए, व्हाट यू कैन डू इज आप एक पंप या 1.5 पंप आप यूज करो, और उसके बाद अच्छे से ब्लेंड करने के बाद इफ यू फील यू नीड मोर ओनली देन आप उसको एक बार और लेयर अप करो, बिकॉज फाउंडेशन को हटाना इज डिफिकल्ट, आप उसको बिल्डअप धीरे धीरे कर सकते हो. नाउ अगर आपके मेरे जैसे अंडर आईज पे बहुत ज्यादा फाइन लाइन्स जल्दी दिखती है, देन आई वुड सजेस्ट दैट डोंट पुट द फाउंडेशन अंडर द आईज, आप सीधे कंसीलर से उसको हाइड कर सकते हो, बिकॉज जितना ज्यादा प्रोडक्ट अंडर आई रहेगा उतनी जल्दी फाइन लाइन्स दिखनी शुरू होती हैं. नाउ नेक्स्ट वी गोइंग टू बी यूजिंग द कंसीलर. इन दिस आई एम यूजिंग टू टाइप्स ऑफ कंसीलर. आपके जो अंडर आईज और स्पॉट्स एक्नेज एंड ऑल अगर आप हाइड करते हो, तो वो ऑलमोस्ट आपके शेड का होना चाहिए कंसीलर. सो फॉर दैट आई एम यूजिंग द मेबेलिन फिट मी. नाउ ये वाला मैंने जो मेरे स्किन टोन वाला आई हैव अप्लाइड द कंसीलर, वो मैं सिर्फ उन जगहों पे लगा रही हूँ जहाँ पे मुझे थोड़ा सा आफ्टर फाउंडेशन लग रहा है कि ब्लॉची स्किन दिख रही है, बट यू डोंट हैव टू ड्रैग इट, ऑल यू हैव टू डू इज स्पॉट पे ही आप डैब करोगे. नाउ द नेक्स्ट कंसीलर दैट आई एम अप्लाइंग इज द मैक स्टूडियो फिक्स. ये वाला थोड़ा सा मेरे शेड से लाइटर है जो ओरिजिनल मेरा फेस का शेड है. नाउ दैट आई विल बी अप्लाइंग टू मोस्ट ऑफ द प्लेसेस जहाँ पे मुझे थोड़ा सा ग्लो एंड हाइलाइटेड चाहिए. नाउ अगेन मैं कंसीलर बहुत थोड़ा सा लगा रही हूँ अराउंड द आईज, बिकॉज मेरी बहुत जल्दी क्रीज लाइंस आती हैं. अगर आपकी क्रीज लाइन भी आती है देन डोंट टेक इट ऑल अक्रॉस, बिकॉज क्रीज लाइंस बहुत जल्दी दिखने लगती हैं. नाउ ये वाला जो एरिया होता है आपके आईज के इनर कॉर्नर वाला, वहां पे आपका सबसे ज्यादा शेडो इफेक्ट आता है और डार्कर साइड होता है ऑफ योर अंडर आई, सो मेक श्योर वहां पर यू ऑलवेज अप्लाई द कंसीलर वेल. Now for blending I'm using the smaller sponge, but अगर आपके पास अलग से sponge नहीं है, you can use the same sponge जो आपने foundation के लिए use किया था or any other kind of brush that you have. Application technique is more important than the product that you are using in terms of blending. Now eyes पे मैंने last में इसलिए blend किया है after blending all the other areas of the face, because eyes पे बहुत जल्दी crease lines आती हैं. So right after you blend the eyes, immediately you can apply the powder. Now that we are done with the concealer, I'm going to be using the Fit Me Loose Powder. इससे पूरा face हम pack करेंगे. Make sure आप powder बहुत ज़्यादा कम लगा रहे हो, because otherwise बहुत cakey होने लगता है after a while. Powder is just to pack the face.
ऑफ द फाउंडेशन कंसीलर एंड एवरीथिंग एल्स जो आपने पहले लगाया है, बिकॉज ऑलरेडी आपने दो या तीन लेयर्स ऑफ फाउंडेशन कंसीलर प्राइमर सब लगा हुआ है. सो अगर आप बहुत ज्यादा कोई भी चीज लगाओगे तो पूरा का पूरा फेस बहुत ज्यादा केकी लगने लगेगा. नाउ बिकॉज आई एम गोइंग टू बी यूजिंग ग्लिटर ऑन माई आईज टूडे, सो मे बी उसमें फॉल आउट हो, इसलिए आई एम गोइंग टू बी यूजिंग अ ट्रांसल्यूसेंट पाउडर जिससे कि मैं नीचे उसको पैक कर दूँ. सो अगर कुछ शिमर या कोई भी आई शेडो गिरता है देन आई बी एबल टू डस्ट इट ऑफ इजिली. नाउ वील स्टार्ट विद द आई मेकअप, फॉर विच सबसे पहले हम आईब्राउज करेंगे. नाउ विद आईब्राउज क्या होता है, आप धीरे धीरे स्ट्रोक्स के साथ ही बनाइए, बिकॉज अगर आप उसको पैची कर देंगे देन इट सडनली लुक्स लाइक आपने टैटू लगाया हुआ है. सो अ लॉट ऑफ टाइम्स जब आप स्टार्ट करते हो आईब्राउज बनाना, आपको नहीं समझ में आएगा कि आपका शेप अच्छे से दिख रहा है नहीं आईब्राउज का, बट बहुत धीरे धीरे करते करते इवेंचुअली व्हेन यू आर डन यू विल रियलाइज दैट अच्छा एंड नेचुरल शेप आ रहा है. नाउ व्हेन यू आर डूइंग द आईब्राउज, जहां पर आपकी आईब्राउ एंड कर रही है वहां से कभी भी आप नीचे शेप मत लाइएगा, अदरवाइज आपका आईज बहुत ड्रूपी लगने लगता है. सो मेक श्योर आपका जो नेचुरल आईब्राउ शेप है आप वहीं तक उसको एक्सटेंड कर रहे हो, डोंट गेट इट बिलो. नाउ वंस यू आर डन विद फिलिंग योर आईब्राउज देन जस्ट कॉम्ब इट बैक, सो जो एक दो स्ट्रोक्स ऊपर नीचे दिखते हैं अलग से वो और अच्छे से मिक्स हो जाते हैं. नाउ आई एम गोइंग टू पुट कंसीलर ऑन माई आईज फॉर विच आई एम यूजिंग द शुगर. Now again, I'm going to apply the powder so that अच्छे से हमारा concealer set हो जाए. Now I'm using this shade as the transition color. Now with the same brush, I'm going to be applying the other color. इससे deep होगा हमारा crease. Now if you're seeing the brush, I'm not using it like this, जैसे हम pencil use करते हैं. वो जब आपको precision चाहिए होता है, that's when you hold it like this. अभी I'm going to be using the brush from here, because अभी मुझे larger area cover करना है. Always while blending, या तो आप बहुत कम color उठाओ, या आपको लगता है कि आपने ज़्यादा उठा लिया है, तो हमेशा excess आप tap कर दो. Because again, any form of makeup, अगर आपने ज़्यादा लगा लिया है, उसको हटाने में आपको ज़्यादा difficulty होगी, rather than building it up slowly. Now that the crease shadow is done, मैं same color use कर रही हूँ for my outer corner. Now outer corner थोड़ा सा कम area होता है, that's why I'm going to take my brush a little higher so that मेरा precision of the brush आए. Now I'm taking a little smaller shadow brush और वो same color हम थोड़ा सा जो crease line पे लगाया था उसके नीचे थोड़ा सा dark करेंगे. इससे क्या होगा, आपका ombre shape आएगा, like darker to lighter and then it mixes to your skin tone. Now we're going to be moving to the inner corner. मेरा ब्रश अब और ज्यादा towards the bristles आ गया है, because now I need a lot of precision, because मुझे बहुत कम area में लगाना है. Now here what I'm doing, I am taking the shadow, placing it on the eyes and then dragging it जितने area में मुझे चाहिए. Now if you're not a glitter person, you can stop at this also for the eyeshadows. I love glitters a lot, so मैं थोड़ा सा glitter इसमें add करूँगी, so that थोड़ा सा और glammed up look लगे. Now glitter के पहले, so that it sticks well to my eyes for longer, I'm just going to apply little bit of setting mist. अब ये आप जब setting mist इस पर apply कर देते हो और almost 5 to 7 seconds you leave it like that, and then take the glitter and आप अपने eyes पे apply करते हो, so eyes पे बहुत ज़्यादा देर तक stay करता है फिर glitter. Now we'll be moving to the kajal, for which I'm using the Revlon. Now अगर आपका काजल बहुत ज्यादा जल्दी स्मज होता है, then just take a flat shader brush और उसके साथ आप ब्लैक कलर का आई शेडो लेके उसके ऊपर आप लगाओगे, इट विल पैक द काजल एंड वो बहुत जल्दी स्मज नहीं होगा. Now we're moving to the eyeliner, for which I'm using my favorite K-beauty eyeliner. Now after the eyeliner, I'm going to be using the mascara, which is by Deborah Milano. Now we're pretty much done with the eyes, but because हमने foundation लगाया है, so there is no shadow or there is no dimension to the face, so we'll come back to the face now. And to give the shadow to the face, I'm going to be using the contour. Now for the nose contouring, you should make sure ये जो आपका बीच वाला है, that उसको आप छोड़ के sides में contour करो. Now
a lot of people forget to end the contour. Usually I always see people do it here and here and they forget to end the contour. So always remember, if you are contouring your nose, you have to start from here, because yahan se aapka natural shadow banta hai. So this is where you start, and this is again another place jahan pe aapka naturally shadow aata hai. So this is where you'll end the contour. नाउ दोनों साइड पे जब मैंने कॉन्टोरिंग कंप्लीट कर ली, मुझे ऐसा लग रहा है यहाँ पे थोड़ा ज्यादा शेड आ गया है. सो व्हाट आई विल डू इज, जो आपने पहले फाउंडेशन के लिए जो भी ब्रश यूज किया है या स्पॉन्ज यूज किया है, यू विल नॉट टेक एनी एक्सेस प्रोडक्ट ऑन इट. आप सिर्फ उसको थोड़ा सा डैप कर दोगे. नाउ नेक्स्ट आई एम गोइंग टू यूज द ब्लश. फॉर ब्लश एंड आई थिंक मैंने आपको कॉन्टोर के लिए भी, आई डिडंट शो यू द पैलेट दैट आई यूज, सो आई एम यूजिंग द मिलानी. Again for the highlighter also I'm using the same Milani palette. Now for the lipstick I decided to go with a little deeper red because my sari is on the cream and reddish side. So I guess we're pretty much done with the look, but exact look dikhane ke liye I'll put on my falsies, sari and my jewelry and get back to you. So I hope आप लोग को ये वीडियो पसंद आया हो. Let me know in the comment box whether आपको लगा कि ये बहुत ज़्यादा difficult था या it was on the easier side. If you feel that I can create any look to help you learn it, please let me know in the comment box as well. और अगर आपको content पसंद आ रहा है, please don't forget to subscribe, because with every subscribe we get motivated to do more. And until I see you guys again in the next video, keep shining.